तो भाई लोग, क्या लगता है तुम्हें कि स्पाइडरमैन का सबसे बैडेस्ट विलन कौन है? कहीं वो डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजर्ड, इलेक्ट्रो या फिर ग्रीन गॉब्लिन तो नहीं है? इनमें से कोई नहीं। स्पाइडरमैन का सबसे डार्केस्ट विलन है स्पाइडरमैन नोवर का वल्चर। ये कितना ज़्यादा डार्क और क्रीपी है, एक स्टोरी लाइन से बताता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस यूनिवर्स में नॉर्मल ऑस्बोर्न बहुत अमीर आदमी होते हैं और उसके पास बहुत खतरनाक विलन होते हैं, जिनमें से एक होता है वल्चर, जो थोड़ा पागल और सनकी होता है। नॉर्मल ऑस्बोर्न से मिलने से पहले वल्चर को एक पिंजरे में रखा जाता था और उसे खाने के लिए लिटरली जिंदा मुर्गियां दी जाती थी। क्या बोला तूने? हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उसे खाने के लिए जिंदा मुर्गियां दी जाती। नॉर्मल ऑस्बोर्न वहाँ से वल्चर को निकाल कर अपने खास लोगों में रखते हैं। फिर एक बार अंकल बैन नॉर्मल ऑस्बोर्न के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद अंकल बैन की बॉडी आधी खाई हुई बेसमेंट में पीटर पार्कर को मिलती है। तो पीटर को लगता है कि नॉर्मल ऑस्बोर्न के गुंडों ने अंकल बैन को मारा है और मारने के बाद उनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ऐसा हुआ रहता है कि नॉर्मल ऑस्बोर्न और उसके गुंडे अंकल बैन को बांधकर बुरी तरह से मारते हैं। फिर उसके बाद अंकल बैन मरने वाले होते हैं तो वल्चर उसकी आधी बॉडी को ऐसे ही खा जाता है। आप सोच सकते हो, इस यूनिवर्स का वल्चर अंकल बैन को जिंदा ही खा जाता है। एक इस एक्सीडेंट के कारण स्पाइडरमैन की ये स्टोरी सबसे डार्क स्टोरी में से एक है। और आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन का सबसे डार्केस्ट विलन कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।